तो ये इसमें हिकमत होती है जिसकी किसी दो लफ्ज में या दो जुमलों में तारीफ नहीं किया सकती है। हिकमत कभी मौका और महल के लिहाज से है। मिसाल के तौर पर कोई एक चीज़ है या कोई आदमी है, उसका एक्सीडेंट हो गया। मिसाल के तौर पर अल्लाह न करे हम में से किसी का हो, लेकिन हो गया। अब हिकमत का तकाजा ये कि फौरन फौरन उसे एडमिट किया जाए, डॉक्टर तक पहुंचाया जाए। अब आप रुके हुए देख रहे कितना जख्म लगा है, आप उसकी जेब तलाश करने के अलावा कुछ माल पत्थर मिल जाए, आप उसकी आईडी तलाश करने में लगे हुए हैं, कोई उसकी गाड़ी लेकर भागा जा रहा है, कोई उसका हेलमेट चुरा के भागा जा रहा है। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क की ये सच्चाई है। आप सोच रहे होंगे मौलवी साहब कैसी बात कर रहे हैं, इस मुल्क की ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि एक हादसा होता है तो मरीज को या हादसे के शिकार फर्द को हॉस्पिटल में बाद में ले जाया जाता है, पहले पुलिस वाले भी उसकी जेब की तलाशी करते हैं। और जेब की तलाशी उसकी आईडी या शनाख्त के लिए नहीं, बल्कि माल पत्थर के हासिल के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसकी वीडियोग्राफी करते रहते हैं, वो मरीज तड़पता है और जान दे देता है। ये हिकमत नहीं है दोस्त। हिकमत ये है कि आप अलल फौर, आप फौरन फिल फौर उसे इलाज व मुआलजे के पास ले जाएं, डॉक्टर के पास ले जाएं, इलाज व मुआलजे का इंतज़ार करें, फिर उसकी तहकीक की जाए कि ये कौन है, कहाँ का था, घर कहाँ है, उसका अता पता क्या है। लेकिन पहला मरहला ये इंसानियत का ये तकाजा है कि उसकी जान बचाई जाए।